एनकेफलाइटिस खास करके दो प्रकार से है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है जापानी एनकेफलाइटिस, जो मच्छर जनित है, मच्छर के और वायरस की वजह से होता है। वायरस को जो है, जो धान के खेतों के आसपास जो ये मच्छर होते हैं, वहां से जो है, उसके बाद जब मनुष्य को काटते हैं तो वो इस बीमारी का संचार करते हैं। तो ये मच्छर जनित जापानी एनकेफलाइटिस हो गई। पिछली सरकार के टीका लगवा देने से लगातार हम लोगों के आंदोलनों के बाद 2 बार मास स्केल पे टीके लगे, 2005 और 2006 और 2010 में, वो बीमारी कम हुई। दूसरी वैरायटी जो है वो जल जनित एंट्रोवायरल एनकेफलाइटिस है, और यही आजकल 90%, 92%, 94% कारण है। दिक्कत यह है, इसके लिए कोई टीका मौजूद नहीं है, और कोई भी सरकार, चाहे पिछली, चाहे ये, चाहे प्रदेश या केंद्र, पूरी तरह से गंभीर नहीं है जल जनित इनकेफ्लाइटिस को समाप्त करने के लिए, क्योंकि ये दोनों, चाहे वो जल जनित हो या मच्छर जनित हो, दोनों इनकेफ्लाइटिस लाइलाज है, लेकिन 100% प्रिवेंटेबल जरूर है दोनों की दोनों। दिक्कत क्या है, इतनी छोटी सी बात यदि सरकार मान ले, जानती तो है, समझती तो है, सरकार बेवकूफ नहीं है। दिक्कत यह है, अगर इस बात को मान ले और एनकेफलाइटिस के प्रिवेंशन पे ज्यादा जोर दिया जाए, इलाज को नकारने की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर प्रिवेंशन पे जोर दिया जाए, अब वो भी जनवरी फरवरी से, तो यकीनन ये बीमारी रुक सकती है, 100% प्रिवेंटेबल है। डॉक्टर साहब, इस बार जो 2016 का साल बीता है, इसमें कितनी कैजुअलिटीज हुई इंसेफेलाइटिस से? दुखद है ये बताते हुए, इस साल मौतें जो है पिछले साल से 10% 15% ज्यादा हो गई। ये मौतें भी ज्यादा तब हो गई जबकि 120 करोड़ की पसंदीदा सरकार चुनी गई है। हरदिल अजीज हमारे प्राइम मिनिस्टर भी है, जब वो गोरखपुर दौरे पे आए थे तो बड़ा अच्छा लगा था हमें ये सुनकर। हमें उम्मीद भी थी कि कुछ बहुत कुछ होगा। उन्होंने कहा था, साफ तौर पे कहा था कि एनकेफलाइटिस से किसी भी बच्चे को मरने नहीं दिया जाएगा, यही उनके अल्फाज हैं। और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि नेशनल प्रोग्राम जो कि बन के रखा हुआ है, प्रिवेंशन का वर्क जनवरी से शुरू कर दें, और केंद्र और प्रदेश में मदायक के हो, ठीक उसी तरह जैसे पोलियो में था, प्लस जेई के टीके 2 बार और हर 10 घर के पीछे एक इंडिया मार्क टू दे दिया जाए, तो ये उनका कथन पूर्णतया सच में तब्दील हो जाएगा।